अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 1.2 का। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अभी मैंने आपको एक समझाया था कॉन्सेप्ट क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये आपको मैंने आपको बताया। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन में दिया हो गया है कि एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ क्या, नहीं। ओके, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ नहीं, और इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो आप पहले फॉर्मूला लिखिए, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये जानते हैं हम लोग। एलसीएम हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज आपको और करना होगा, या आप छोड़ सकते हैं एलसीएम लिख सकते, एलसीएम में जगह एलसीएम लिखा मुझे नहीं पता, एचसीएफ दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, नहीं। वेरी गुड, फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657। ओके, तो देयरफॉर एलसीएम क्या होगा, 306 इनटू 657 बाय 9, बाय 9। अब क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 9327 और ये 3 कैरी होगा, तो 940, तो 34 इंटू 657। इन दोनों ही नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर होगा वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इन दोनों ही नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा है अभी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर प्रोवाइडेड है, इन दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ प्रोवाइडेड है 9, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम को जगह एलसीएम उन्होंने लिखा, और ये 9 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है इसलिए डिवाइड में गया, अगर प्लस माइनस फॉर्म में होता तो ये रिवर्स साइन में चला जाता। तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में था इसलिए ये डिवाइड में हो गया, उसके बाद 9 से इसको मैंने सॉल्व किया, 34 जा गया। 34 इंटू 657 को आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 22338। सो ये आपका होगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको, इसको इरेज करता हूँ इस रिलेशन को। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि 6 टू द पावर n दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कैन नेवर एंड विद 0, प्रूफ करना है कैन नेवर एंड विद 0, ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको शॉर्ट वे में सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए इस क्वेश्चन को तरीका क्या है सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें प्रूफ करना है, ये चेक करना है मुझे कि 6 टू द पावर n का जो फैक्टर्स या n 6 टू द पावर n जो है वो एंड करेगा 0 से या नहीं, उसका जितने वैल्यू होंगे n के नेचुरल वैल्यूज के लिए, मतलब n अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब n का जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कंटिन्यू है, ऐसे कुछ वैल्यू लेने पे, क्या n का इस तरह से 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे वैल्यू लेने पे ये 6 टू द पावर n 0 से एंड करेगा क्या। 0 से एंड मतलब क्या है, इसके n का वैल्यू 1 पुट करने पे इसका फैक्ट जो आंसर आएगा वो 0 के फॉर्म्स में होगा कोई भी ऐसे वैल्यू लेने पे। तो हम लोग को तरीका क्या सॉल्व करने का, कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद 0, कैन एंड्स विद द डिजिट 0। हम लोगों ने एज्यूम किया ऐसा कि ये जो नंबर है ये 0 से एंड हो सकता है। अब होगा क्या कि 6 का फैक्टर हम लोग लिखते हैं, तो 6 का फैक्टर क्या है 2 और 3। अब क्या है, हम लोग एक पॉइंट सीखे थे फ्रॉम अर्थमेटिक थ्योरम, हम लोगों ने क्या सीखा था फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
theorem of arithmetic any number can ends with 0 having factor 2 and 5. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ऐसा कोई भी नंबर है जो जीरो से एंड करेगा उसके लिए कंडीशंस है कि वो नंबर्स का फैक्टर्स जो होगा वो 2 और 5 दोनों होने चाहिए. फैक्टर्स बोथ यहाँ पे हम लोगों ने बोथ लिखना था. लिख लीजिए यहाँ पे बोथ 2 and 5. ये था फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एनी नंबर कैन एंड विद 0 हैविंग फैक्टर्स बोथ 2 एंड 5. बट आप देख सकते हैं यहाँ पे बट 6 हैविंग ओनली फैक्टर 2 नॉट 5. सो सी टू द पावर एन कैन नेवर एंड्स विथ 0. ये दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है और दो नंबर के क्वेश्चंस के लिए मुझे लगता है कि इतना आंसर आपको लिखना इनफ होगा. अब ये एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा कि पहले हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि ऐसा हो सकता है. अब हम लोग देख रहे हैं कि जो 6 का फैक्टर्स है वो 2 और 3 हो रहा है. ये 6 का जो फैक्टर्स है वो क्या हो रहा है 2 और 3. और फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ऐसा कोई भी नंबर है वो 0 से एंड हो सकता है बट कंडीशन होना चाहिए कि उसके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होने चाहिए बोथ 2 एंड 5. बट हम लोग देख रहे हैं 6 का फैक्टर्स 2 है 5 नहीं हो रहा है. 6 के फैक्टर्स में 2 आता है बट 5 नहीं हो रहा है. बट 5 नहीं होने के कारण 6 जो है ये 6 से पावर n जो है वो कभी भी 0 से n नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था. आई होप क्लियर हुआ होगा आपको. सो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तरीका बनाने का. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दो नंबर्स दिए गए हैं आपके पास. ये दो नंबर्स दिए गए हैं आपके पास. ये दोनों नंबर्स जो हैं आपस में क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं. ये ऑलरेडी बोला गया है कि ये कंपोजिट नंबर है बट क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है. तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन किस तरह जाएगा. 7 × 11 × 13 + 13. तो यहाँ देख सकते दो अलग अलग नंबर है बीच में एडिशन का एक ऑपरेशन दिया गया है. तो इन दोनों नंबर्स में फैक्टर्स है 13 जो प्रेजेंट है. तो मैं 13 यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ. तो 7 × 11 × कुछ होगा नहीं प्लस 1. सो यहाँ आंसर आएगा 13 × 78 आ गया. इस नंबर में हम लोग देखते हैं तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अब प्लस 5. फिर देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 कॉमन है. तो हम लोग 5 अगर कॉमन लें तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 ये होगा. तो 5 इंटू इसको ऐड कर या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. तो 4 × 3 = 24 ये 42. तो 42 × 24 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने. तो 5 इंटू हम लोग मल्टीप्लाई करिए तो 42 × 24 = 8. और ये प्लस 1 1009. देख सकते हैं हम लोग क्या ये 5 जो है और यहाँ पे ये 30 नहीं है. हम लोगों ने कॉमन लिया है. ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है कॉमन है. अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है 13 × 78 cannot be prime number. और ये नंबर पूरा नंबर जो है हम लोग यहाँ पर 5 लिया है. सो ये लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी प्राइम क्योंकि इन दोनों नंबर्स में देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 हम लोगों ने कॉमन लिया है. यहाँ पे 13 लिया तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है. तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है ये प्राइम नंबर नहीं है तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो पक्का है कि देयरफॉर
it is a composite. Therefore, it is a composite number. ये हो गया, यहाँ पे भी होगा. Therefore, it is a. आपको सिर्फ यही करना है कि आपको सारे नंबर्स के फैक्टर्स को लिखते जाना है, उसके बाद जो कॉमन है वो कॉमन लेना है. तो दोनों नंबर्स में ये कॉमन आ चुका है, ये इसीलिए प्राइम नंबर नहीं हो सकता है. प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा पक्का है, तो कंपोजिट नंबर होगा. ये हो गया आंसर. ओके, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं अभी. ये क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का. देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है कि प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है. अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है आपका कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ. प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलेंगे, जिसमें फैक्टर्स जो होगा वो 1 होगा एंड इटसेल्फ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर. 1 एंड इटसेल्फ, फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर में क्या होगा, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर. जिसमें मतलब क्या है इसका, कि जो फैक्टर्स होगा वो 1 होगा, इटसेल्फ होगा एंड अदर, और कुछ हो सकता है. दो को छोड़ के और भी ऐसे कुछ होगा. जिससे उस क्वेश्चन में देखिए क्या था, मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूँ. एक नंबर था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. ओके, इसको मैंने अभी बताया कि 5 यहाँ पे दोनों पे जगह कॉमन था, तो कॉमन लिया मैंने, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 सॉल्व करके आया 5109, और लास्ट में ये 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर, और एक और ऐसा नंबर था जिसमें 13 × 7 × 11 + 1, तो ये ऐसे कुछ नंबर आया था, 13 × 78 × 1, ऐसे कर सकते हैं लोग. कॉन्सेप्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या है. फैक्टर्स 1 है, अगर एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 होना चाहिए, तो फैक्टर 1 है, 5 है, और एक नंबर और मल्टीप्लाइड है 109. मतलब यहाँ पर फैक्टर्स जो है 2 से ज़्यादा है, 1 है, 5 है और 109 है. तो ये पक्का है कि प्राइम नंबर नहीं है, और जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर. ओके, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन, 13 था, 78 था और कुछ नहीं है, तो 1, तो एक फैक्टर्स 1 है, एक फैक्टर्स 13 है, एक फैक्टर और 78 भी है. इसका मतलब यहाँ फैक्टर्स जो है 2 से ज़्यादा है, तो ये पक्का है कि प्राइम नंबर नहीं होगा. अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर होता है. तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से आप इस क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एलसीएम या एससीएफ का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें. मैं आपको क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को रीड करके, आपको पहले समझाता हूँ. एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है यहाँ पर, मान के चलिए एक सर्कुलर पाथ है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देर इज सर्कुलर पाथ, देर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट ओके टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रविल टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. मतलब क्या है कि मान लीजिए पर्टिकुलर एक पॉइंट है, ये यहाँ पे सोनिया स्टार्ट कर रही है, इसके चारों तरफ मोशन कर रही है, इसके चारों तरफ राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है. और सेम इसी जगह पे क्वेश्चन में बोला गया, देखिए कि सपोज दे स्टार्ट्स बोथ एट द सेम टाइम एंड द सेम पॉइंट. ओके, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, मतलब सेम इसी जगह से रवि भी स्टार्ट किया है और वो 12 मिनट्स में इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर रहा है. ये क्वेश्चन है कि सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है इस चीज को कंप्लीट करने में, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, कंप्लीट राउंड करने में, और रवि जो है 12 मिनट में ही इसको कंप्लीट कर रहा है. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखिए, अब ये चीज तो क्लियर हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया और रवि अगर मान लीजिए 5 बजे अगर लोग स्टार्ट कर रहा है मोशन, या वॉकिंग कर रहा है, या मान लीजिए एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 5 बजे,
तो 5:12 में रवि कंप्लीट कर देगा और 5:18 में ये सनी यहाँ तक पहुंचेगी। मतलब रवि यहाँ तक पहुंचने में 12 मिनट लगा रहा है और सानिया पहुंचने में 18 मिनट लगा रही है। तो जब ये 12 मिनट में रवि यहाँ पहुंच जा रहा है और ये 18 मिनट में यहाँ पहुंच रही है, तो 18 मिनट में रवि यहाँ पे नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 मिनट में ये रवि तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया और सानिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट, तो ये दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है 6 मिनट, ये दोनों 6 मिनट में ऐसा तो नहीं कि रवि इसी जगह पे स्टॉप है, नहीं, रवि मोशन कर रहा है, रवि अभी भी मोशन में है। रवि मान के चलिए यहाँ पे आ जाएगा, रवि जो है मोशन यहाँ पे आ जाएगा, रवि 18 मिनट में यहाँ पे आ गया और सानिया 18 मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों एक बार फिर से मीट करेंगे, ये ऐसा कौन सा कंडीशन होगा, ऐसा कब होगा, कितने टाइम पे होगा कि ये दोनों एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हुए एक बार फिर से आपस में मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और आता है, एक सर्कुलर एक वॉच का आता है, एक क्वेश्चन आता है वॉच का कि इसमें ये मान लीजिए स्मॉल है और ये मिनट का, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है। क्वेश्चन में बोला था ये मिनट हैंड और आर हैंड का कब ये होगा, टाइम इंटरवल दिया रहता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है ना, इन जो नंबर्स दिए गए हैं आपके पास, दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना होगा। ओके, तो 18 का फैक्टर्स निकालिए आप, तो 2 into 3 into 3 और 12 का जो फैक्टर्स होगा वो 2 into 2 into 3। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं, 18 का ये फैक्टर्स है, 12 का ये फैक्टर्स है। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब याद करिए, पहले जो कॉमन मिल रहा है मुझे वो लिखना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में एक नंबर 3 है, एक नंबर 3 कॉमन मिल रहा है, एक नंबर 2, एक नंबर 2 कॉमन मिल रहा है, लिखा। उसके बाद अनकॉमन पार्ट 2 into 3, तो एलसीएम कितना आ रहा है 6 into 6, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मीट करने वाले हैं, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि सानिया रवि फिर से कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो सेम इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे। तो 36 मिनट्स के बाद उनका मीट होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था, और आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। ये पूरा एक्सरसाइज 1.2 को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारे कॉन्सेप्ट, एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये क्वेश्चन लास्ट 7 था। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक का क्वेश्चन या एक सर्कुलर दिया है फ्रिल का, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके क्वेश्चन में। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के 1.2 एक्सरसाइज में मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया, और अगर कोई भी डाउट आपको अभी भी है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सॉल्व करने का। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो अब तक पहुँचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।